हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, और उस पे हमने तीन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन भी कराए थे। उसका चौथा फॉर्मूला है, देखिए उस पे हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी की होल क्यूब। देखो क्या होती है, यहाँ लिख के चलेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। देखो चौथा वाला फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटिव हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2x प्लस 3y की होल क्यूब। तो देखो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ मान के चल रहे, ये a मान के चल लेते हैं 2x और b को मान के चल लेते हैं 3x, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो कैसे करते हैं, a की क्यूब करके चलेंगे मतलब 2x की क्यूब, b की क्यूब लेके चलेंगे 3y की क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू a की जगह 2x और b की जगह हो जाएगा 3y, और ये यहाँ पे लेकर चलेंगे a प्लस बी। तो ये जो वैल्यू है अंदर इसको रख देंगे 2x प्लस 3y, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, अब आगे देखो कैसे करते हैं। ये 2 की क्यूब बोलते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 और 4 2 8 होते हैं, और ये x की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस ऐसे 3 को बोलते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 और 9 3 होते हैं 27, और y की पावर 3 बार करोगे तो y की 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27y की पावर 3 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2 3 6 और 6 3 18, तो 18 और एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 18xy हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उतार लो यहाँ से 2x प्लस 3y। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, तो 18 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 36, x की x में करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, y यहाँ पे है नहीं तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब 18 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये हो जाता है हमारा 57, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा यहाँ से, तो ये ले लेंगे x की यहाँ पे तो है नहीं तो ये x ही ऐसी रहेगा, अगर y की y में करेंगे तो y का स्क्वायर हो गया। Thank you.